तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं झारखंड के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे। दोस्तों ये जगह काफ़ी पुरानी और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों आप हम आपको दिखाते हैं मेरे जो आगे है दोस्तों, ये भैरवी नदी और दामोदर नदी, ये दो नदियों का संगम है। दोस्तों ये संगम दोस्तों है रामगढ़ ज़िले में रजरप्पा स्थित, ये दोस्तों ये संगम है। दोस्तों रजरप्पा में छिंदमस्तिका जो मंदिर है दोस्तों, वो इसी तट के ऊपर दोस्तों विराजमान है माता छिंदमस्तिका। दोस्तों ये काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ का। दोस्तों अगर चारों तरफ देखिएगा तो हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आएगी। और ये दोस्तों काफ़ी गहरी मतलब काफ़ी गहरा नदी है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे एक अलग ही ऐतिहासिक है दोस्तों, यहाँ पे न जाने रोज़ कितना बलि चढ़ती है दोस्तों, बकरा की बलि यहाँ पे चढ़ती है। तो यही यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे हमें एक मंदिर मिलेगी, छिंदमस्तिका माता रानी का मंदिर है दोस्तों। तो काफ़ी अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। अहो भाग्य मेरा दोस्तों कि हमें इस पावन स्थान पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना शानदार लुक है और कितना अच्छा व्यू है दोस्तों। इसका व्यू और भी अच्छा होता यदि मौसम सही होता। तो दोस्तों जब से आए हुए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है दोस्तों, और इसकी वजह से हम लोग अच्छे से कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। फिर भी जितना हो सके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर आप जो वहाँ पर देख सकते हैं जो दो बच्चा लोग हैं दोस्तों, वहाँ से दामोदर नदी और इधर से भैरवी नदी आ रही है दोस्तों, और दोनों का वहाँ पे संगम हो रहा है दोस्तों। ये अद्भुत नज़ारा काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। अहो भाग्य कि हमें इस स्थान पे स्नान करने एवं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप भी आइए और यहाँ पे आनंद लीजिए इस अद्भुत नज़ारा को दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा मिनी ब्लॉग, तो और भी आपको दिखाएंगे दोस्तों वीडियो में। आगे और भी वीडियो आएगा जिसमें आपको माता छिंदमस्तिका का जो मंदिर है दोस्तों उसका दर्शन कराएंगे। तो गाइस हम यहाँ रजरप्पा में जो छिंदमस्तिका मंदिर है दोस्तों वहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे एक बाबा हैं, उनसे हम पूछेंगे इस मंदिर के बारे में विशेषता क्या क्या है दोस्तों, ये मंदिर का उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुआ है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे बाबा। तो बाबा बताइए बाबा इस मंदिर के बारे में कुछ। आदि काल में मेधा ऋषि का आश्रम जी, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है काली तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च महासंगी कमलात्मिका एतादृश महाविद्या सर्वतंत्री सुभूविता। ये दसों महाविद्या का मंदिर है जी, समस्त संतों में गुप्त है। काली तारा छोड़ती भुवनेश्वरी भैरवी धुमासी बगलामुखी मातंगी और कमला और छिन्नमस्ता। जो छिन्नमस्ता बहुत प्राचीन है, आदि काल में यहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सुरस और समाधि नामक वैश्य आए थे। उनकी कुछ विशेष कामना है, मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में बहुत दिनों तक महामाया भगवती माँ छिन्नमस्ता का तपस्या की, परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक सिद्धि मिली। उनके जो कुछ भी मन में कामना थी पूर्ण हुआ, और यहाँ से जब अपने घर गृहस्थी की ओर वापस होने लगे तो वैसे समय में महामाया माँ छिन्नमस्ता का मंदिर का प्रतिष्ठा कर गए। तब से आज तक यह मानसिक सिद्धि के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, एक कोलभील वासियों का जगह है। कोला विद्वंसी लोग यहाँ विशेष रहते हैं, कोलभील लोग रहते हैं। आदि काल में उनका ये प्रथम पूजा का स्थल रहा है। तब से आज तक यहाँ पर भगवती माँ छिन्नमस्ता विराजती हैं, जो 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। इनकी खास विशेषता ये है कि जो जन इनके पास जैसी कामना लेकर के पहुँचता है, माँ उनकी बातों को सुनती है, समझती है, विचारती है और उसकी कामना पूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से दिनों दिन यहाँ की ख्याति बढ़ती गई, यहाँ पर लोगों का आस्था विशेष बढ़ता गया, और सबसे आज तक यहाँ पर पर्यटकों का एक प्रमुख आस्था का केंद्र बन गया, जिससे लोग आने लगे और यहाँ पर अपनी मानसिक सिद्धि की मनोकामना का यहाँ माँ से निवेदन करने लगे, माँ पूरा की, जिससे यहाँ पर दिनों दिन यात्रियों का आना जी बाबा। तो
बाबा बताएं इस मंदिर का जो ऐतिहासिक, कैसे इस मंदिर का विख्यात हुआ है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अब आपको आगे ले चलते हैं दोस्तों, जो छिंद मस्तिका का जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो बकरे का बलि दिया जाता है दोस्तों, उस स्थान को भी आपको हम दर्शन कराने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट जहाँ जो मेन मंदिर है, जिसको गर्भगृह कहा जाता है दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं। तो बाबा बहुत हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, तो मिलते हैं फिर कभी। तो दोस्तों ये बाबा जो हैं यहाँ मंदिर में रहते हैं, और यहाँ पे पूजा अर्चना जो भी होता है दोस्तों ये करवाते हैं और करते भी हैं। तो ये रहा दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो इस तरह का आपको व्यवस्था काफ़ी बढ़िया शानदार व्यवस्था में मिल जाती है। जगह जगह पे दोस्तों यहाँ पे आपको पुलिस के जवान मिल जाएंगे दोस्तों, जो हमें ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप आते हैं तो ये गोल गोल घूमते हुए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे साफ सफाई का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है दोस्तों। जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं काफ़ी बार बार दोस्तों यहाँ पे साफ सफाई होते रहता है, और आपको काफ़ी यहाँ पे क्लियरिटी और सारा चीज़ एकदम क्लीन मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ इस टाइप से ये ले दोस्तों, ये गर्भगृह है यहाँ पे माता छिंद मस्तिका जो है, यही इस मंदिर में विराजमान है। ठीक है भैया। दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो गर्भगृह है दोस्तों उसके अंदर फ़ोन नहीं अलाउ है, तो आपको हम यहीं से आपको दर्शन कराते हैं। ये रहा ये मंदिर है दोस्तों, यही गर्भगृह है, इसके अंदर माता रानी है दोस्तों। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देख सकते हैं चुनरी जो बांधा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये जो चुनरी बांधा हुआ है, इसका एक अलग ही महत्व है। इसका महत्व है दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी पत्थर बांधे हुए हैं दोस्तों, अपना अपना मन्नत जो है मांगते हैं, उसी मतलब बहान देते हैं पत्थर मन्नत के रूप में दोस्तों। जैसे उनका मन्नत पूरा हो जाता है, तो ये पत्थर यहाँ से आप लोग किसी भी कोई भी पत्थर एक खोल दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी साफ़ सफाई किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे भी हैरो बाबा। और दोस्तों यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे वो जगह है, यहाँ पे बकरे को बलि दी जाती है दोस्तों, यही वो जगह है। तो दोस्तों यहाँ से आप उधर से आते हैं, और यहाँ से निकलने का जो द्वार है दोस्तों, यही ये मार्ग है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं दोस्तों, सामान खरीद सकते हैं, प्रसाद, खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की चीज़ों, और खिलौने, सब्जी, फ्रूट वगैरह, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। स्टे करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम अब बाहर आ गए, और बाहर का ये दोस्तों ये नज़ारा देख सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और दोस्तों अच्छा अच्छा कमेंट करें। और दोस्तों कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में।